मुशफिक अहमद का प्रश्न है, अगर गाय को काटना हत्या है तो भैंस बकरा मुर्गी को काटना हत्या क्यों नहीं, जबकि हिंदू धर्म में पशुओं की बलि दी जाती है? क्यों मुसलमानों को गौ हत्या के नाम पर मारा जा रहा है और जिन लोगों को मारा जा रहा है उनका समाज को दर्द क्यों नहीं? किससे सवाल है ये? सामान्य प्रश्न है, कोई भी इसका उत्तर। ये किसने कहा कि हत्या हत्या नहीं है? और बलि प्रथा का विरोध भी हिंदू समाज ही करता है, बाहर से तो कोई आता नहीं है। बलि प्रथा का मैं बलि प्रथा का विरोध भी गाय, चूंकि हमारी एक आस्था का विषय है, हम उसको जितने उसमें गुण हैं उसको ध्यान में रखकर माँ का दर्जा देते हैं। और अगर एक समाज को किसी चीज़ से अगर आघात पहुँचता है, इसलिए ये विषय है। हत्या सभी की है, हम कब कहते हैं कि हत्या उसकी जायज है इसकी नाजायज है, लेकिन गौवंश गौ हत्या पाठक साहब किसी भी समाज के लिए उपयोगी नहीं है। एक जवाब मैं दे दूं? बिल्कुल। मैं पूछा उनसे था, कुछ उन्होंने कहा, अगर कोई विषय, ये हम किसी एक दूसरे के धर्म पर तो एतराज कर नहीं रहे, कुछ धर्म के मानने वाले अगर ऐसी शिद्दत और ऐसी अकीदत रखते हैं कि उसे उन्होंने पूजा का दर्जा दे रखा है, तो फिर किसी को यह हक नहीं पहुंचता ऐसे समाज के अंदर जहां उनकी बहुत बड़ी तादाद हो कि फिर वो बार बार ऐसे ही करे कि उसकी गौ हत्या जो है वो जरूर करे। खाली सिर्फ एक मीट खाने वाले उससे गौ हत्या से नहीं हट सकते क्या, ये सवाल जो कर रहे हैं फिर लाकर? तो असल में तो बात ये कि इसका ये क्यों यहाँ पर एकता की बात भी करेंगे और जो जिन चीज़ों से जज्बात जुड़े हुए हैं बेपनाह, वहाँ जहाँ मजहबी जज्बात जुड़े हुए हैं उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे, फिर आपस में क्यों क्यों एक चीज अगर आप अगर कोई आप में से कोई खाता है तो नहीं छोड़ सकता? तो बात यह है कि इसका तो ख्याल रखना पड़ेगा जब इतने किसी के साथ में रहते हैं, आपके घर के अंदर हो, आपके घर के अंदर आपका भाई हो, दो भाई हो, तीन भाई हो, वो किसी बात पे बहुत सेंसिटिव, तो आपको ख्याल रखना होगा उनका। यहाँ पर साथ में रखते हैं तो ख्याल रखना होगा इसका, इस पर बजाय सवाल उठाने के अपने आप के ऊपर चेक लगाएं, और जो लोग इसकी अवहेलना कर रहे हैं उनके ऊपर चेक लगाइए और उनको रोकने की कोशिश कीजिए। आदरणीय धनंजय जी से प्रश्न है, तो प्रश्न कि गौ रक्षक दल में मुसलमान क्यों नहीं जब आरएसएस में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है? तो किसने रोका है? स्वागत है आपका कल से ही। हाँ, आप कुछ कहने वाले हैं? एक मिनट, पहले बात पूरी हो जाए। सभी का स्वागत है, गौ की रक्षा होगी निश्चित रूप से, सभी को लाभ होना है, इससे किसी एक वर्ग को लाभ होगा ऐसा नहीं है, सभी का स्वागत है इसमें। दूसरी बात, हम ठेकेदारी प्रथा नहीं कर रहे हैं कि हम ही गौरक्षक हैं। जिस दिन मुस्लिम समाज भी खड़ा होगा गौरक्षा के लिए हृदय से, और हम कहीं जहाँ जहाँ कहेंगे उन चौराहों पर स्वागत करेंगे उनका, और मतलब हृदय से स्वागत करेंगे। सबसे पहले मैं जुड़ना चाहूँगा। आपका प्रश्न था ना, मेरा नाम शब्बीर है, मेरा नाम शब्बीर है, और उत्तर तो मिला है लेकिन जी अभी शुरुआत नहीं हुई है। अगर इसकी शुरुआत होगी तो पहलू खान और अखलाक जैसे नहीं मरेंगे। जो सही में उसको गाय को काटने वाले हैं बच के निकल जाते हैं, और जो पालने वाले हैं वो मारे जाते हैं। अगर आप इसमें हम लोगों को जोड़ेंगे उसमें गौ रक्षक दल, गौ सिर्फ गाय उसकी हिंदुओं की नहीं है, हम भी तो पालते हैं भाई, मैं भी पालता हूँ, तो आप हमें जोड़ें, आप पाएँ खिला के हमें आएँ, हम आपके साथ में आएंगे, और जो काटने वाला को उससे सजा साथ में खड़े होकर। हम लोग यहाँ पर एक गौशाला का संचालन करते हैं और उसमें बहुत से मुस्लिम भी सहयोगी हैं। गौशाला संचालित होती है, बिल्कुल नज़दीक है, और उसमें कई मुस्लिमों का भी सहयोग है, और उनको हम हृदय से स्वागत करते हैं ऐसे लोगों का। हम लोग एक पहला विषय था, चले फिर सौहार्द की ओर, और इसमें सारे चीज़ें ये कारण हैं, इसलिए इसमें अलग से प्रश्न की आवश्यकता नहीं थी। अरे आप आगे आइए तो सही, हम लोग खुद बाएं खोले खड़े हुए हैं कि आप इन कामों में आगे आइए।